तेरा रेप हुआ था दिल्ली के पागलखाने में, तेरा रेप हुआ था। अब तू मुझसे पूछेगी कि मुझे ये सब कैसे पता? तो सुन, क्या थे तूने मुझे पागलखाने भेजा था? उसी पागलखाने में ना मुझसे वो इंसान टकराया जिसने तेरी ये हालत की है। और पता है फिर क्या हुआ? उसने मुझे तू समझकर मेरा ही फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं ठहरी जारा खान, प्रैक्टिकल, इंदिरा की तरह इमोशनल नहीं। बस उसके नापाक इरादों को कुचल कर रख दिया। देखना कितना साफ दामन है मेरा, बिल्कुल पाक, थोड़ी सी भी कीचड़ नहीं है। तेरे दामन की तरह नहीं, जिसमें जमाने भर का कीचड़ लिपटा हुआ। इसीलिए कहती हूं, अगर अपने ऋषि से बेइंतहा प्यार करती है ना, तो छोड़ दे मुझे और कर दे मेरे हवाले। देखना जिंदगी भर और हमेशा मैं खुश रखूंगी उन्हें, इंशाल्लाह। एक औरत होकर एक औरत से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? याद रखना, एक औरत सब कुछ त्याग सकती है लेकिन अपने पति को कभी नहीं त्याग सकती। अरे इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म तक, हर जन्म तक ऋषि मेरे रहेंगे। ऋषि का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दे तू, और ये ख्याली पुला बनाना बंद कर दे। और बस इतना बता कि कौन है वो आदमी जिसने मेरे साथ ये सब किया? उसका नाम बता, मैं उसकी हस्ती मिटा दूंगी। क्या नाम है उसका बोल, नहीं तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगी, मार दूंगी मैं तुझे यहीं पर। मार दो, गाड़ दो, काट दो, कुछ भी कर दो, उसके बाद तेरे उस गुनहगार का नाम भी दफन हो जाएगा। तूने मेरे ऋषि को मुझसे छीना था ना, और मैंने तुझसे तेरे गुनहगार का नाम छीन लिया। अब तू तड़पेगी, जिंदगी भर तड़पेगी, लेकिन तुझे तेरे गुनहगार के बारे में कभी पता नहीं लगेगा। तुझे अपने आप से घृणा आएगी, हिटलर दीदी। एक काम कर, तू ना ऋषि को इस बात पे ध्यान ही मत देने दे। उनको उनको ना इस राज के बारे में पता ही मत लगने दे। तू तो जानती है ना, कोई भी मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ये नहीं बर्दाश्त कर पाएगा कि उसके पत्नी के कोख में किसी और का बच्चा है। इसीलिए तू इस राज को ना राज ही रहने दे, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। तू तो सयानी है ना, चांदनी चौक की हिटलर दीदी है, ये सब तो तुझे पता ही होगा ना। तो बस कुछ नहीं करना, ऋषि को मेरे हवाले कर दे, फिर सबकी लाइफ सेट। कुछ नहीं छुपाऊंगी मैं अपने पति से कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। तेरी तरह नहीं हूं मैं कि झूठ की बुनियाद पे अपने प्यार को नींव पर रख दो। मुझे अपने ऋषि पर पूरा भरोसा है, समझी तो? और सच्चा है जितना भी कड़वा क्यों ना, उसे एक्सेप्ट कर लेने में ही इंसान का भला होता है।
अच्छा तब तो बहुत दिलचस्प नजारा होगा जब तू और तेरा आशिक पति रूबरू हो। देखती हूं कि तेरा पति इस सच्चाई का सामना कैसे करता है। कौन सी सच्चाई? श्रीमती जी के श्रीमान जी आ गए, उनके पीछे पीछे। कौन से सच की बात कर रही हो तुम जारा मलिक? मुझ पर जोर आजमाने से क्या होगा ऋषि? बेहतर है कि आप अपनी श्रीमती जी से ही पूछ लीजिए। तो श्रीमान की श्रीमती जी, आपके पति परमेश्वर आए, कुछ पूछ रहे हैं आपसे, बता दो सारी सच्चाई और अपने बच्चे की भी सच्चाई। खुद से ज्यादा भरोसा है आपको? बताइए इस गंदी औरत को कि आपका किराएदार इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा अपने श्रीमती जी पर करता है। बात चाहे जो भी हो, किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। बहुत सहली अपनी श्रीमती जी से जुदाई, अब और नहीं। अब कोई भी बात, कोई भी साजिश मुझे मेरी श्रीमती जी से अलग नहीं कर सकती। सुना तुमने जारा मलिक खान? रेप हुआ था। अगर अपने ऋषि से बेइंतहा प्यार करती है, एक काम कर, इस राज को ना राज ही रहने दे। कोई भी मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ये नहीं बर्दाश्त कर पाएगा कि उसके पत्नी के कोख में किसी और का बच्चा है। अरे आपकी हिटलर बीवी तो भाग गई। खबरदार, अगर मेरी श्रीमती जी के बारे में अपनी गंदी जबान से एक शब्द भी निकाला तूने तो जारा मलिक खान, मन तो कर रहा ना तेरा गला अभी यहीं के यहीं दबाकर तेरी जान ले लूंगा। मेरी गृहस्थी के रास्ते में जितने कांटे तूने बोए हैं ना, आज मैं सबका बदला लूंगा तुझसे। तेरे चेहरे पर ये जो हंसी है ना, इसको तेरे साथ ही दफन करूंगा। और जितनी साजिशें हैं ना तेरी, उनका गला तेरे गला घोटने के साथ साथ काटूंगा। बोल क्यों हंस रही थी? बोल, कौन सा गंदा खेल चल रहा है तेरे गंदे से दिमाग में? बोल रामोली कौन? बोल फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। सारी सारी की सारी तैयारी तेरे भाई ने की अकेले। हाँ ये देख बैलून, वो लड़ियां सब मैंने अकेले लगाए हैं। हाँ उधार पे, वो क्या है ना, वो तेरे ताऊ ससुर से ले लूंगा पैसे, कितने पैसे हैं उनके पास में। तो अरे इंद्र ये देख इतने सारे जेवर, ये फल वल, अब ये
इतनी सारी भेंट और ये देख ये साड़ियाँ ये गहने, हाय रब्बा, ये सब तेरे ससुराल से आया है तेरे लिए। समधन जी, लाने वाले का भी नाम बता दीजिए। ये जेवर ये कपड़े अपने आप पैदल चल के नहीं आए इधर। हाँ हाँ समधी जी, माफ कीजिए, क्या है ना कि मैं जरा भूल गई थी। इंदिरा तेरे ताऊ जी है ना, तेरे लिए ही आए, आशीर्वाद ले ले। जीते रहे, भगवान हर बला से बचाए तुझे और होने वाले चिराग को। कंपनी ने इधर से इंदिरा को 9 महीने मैंने पेट में रखा और सारे पैसे तू ही ले जाएगा। तो 9 महीने रखे के एहसान कर दे, सारे रखे। क्या करते रहते हैं आप लोग, कम से कम घर आए मेहमान का तो लिहाज करो। ताऊ ससुर है ये मेरे, के सामने ये सब हरकतें करनी जरूरी है क्या? हाँ तो उनके हाथ से गिर गए थे नोट, हम उठा के दे रहे हैं भाई। ये देखो, दे अंकल आपके पैसे गिर गए थे, ये रख लो यहाँ पे। माफ कीजिए समधी जी, वो क्या है ना मेरे कमीने बेटे ने समझा रही थी, वो शरारत ही है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। सॉरी, समझ गया। और इंदिरा तेरी डांट खाकर ही मैं तो समझ गई कि तू ही मेरी बेटी इंदिरा है। हाँ क्या ना, ये जारा के चक्कर में मैं तो अपनी बेटी को पहचान ही नहीं पा रही थी समधी जी। चलो कोई बात नहीं है, बला टल गई ना तो अब खुल के जी पाएंगे हम। इंदिरा बेटा, तेरे ताऊ ससुर तुझे लेने आए हैं, तेरी गोद भराई की रस्म है ना वहाँ झांझर में ही होगी, लेकिन इस बार मुझे साथ में लेकर जाना, मेरी जान तुझ में ही अटकी हुई है, बोझ बनकर नहीं रहूंगी। बस ससुराल के किसी कोने में मुझे मुझे बिठा देना, मेरा इंतजाम कर देना। हाँ इतने कोने नहीं है इसके ससुराल में यार, एक में तो मैं रहूंगा, मैं तो चल रहा हूँ ना साथ में। सुगंधा कह रही थी कि उसको अपनी फैमिली से मिलना है, बहुत टाइम हो गया ना, तो लेके चलिए हमको साथ में। ठीक है चल मम्मी पैकिंग करते हैं। क्या क्या पैक करना है? दरअसल पैकिंग की जरूरत नहीं है, पिछली बार बिना कपड़ों के गया था, सब वही दे देते हैं। चलो वो ओ बौड़ी, उनकी छोर मेरी सुन, ये देख अम्मो ने खास तेरे लिए भेजा है सब। ये देख, ये पकड़। ये हुई ना बात, अब तू जल्दी से तैयार हो जा, हम झांझर के लिए आज ही रवाना होंगे। बहुड़िया ऋषिकेश्वर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ओ ऋषिकेश्वर कहाँ भाई? इधर हूँ मैं ताऊ जी, आ गया। ऋषिकेश्वर पावड़ हो गया क्या? बहुड़ी के साथ ऐसा होता तूने मेरी बहुड़ी का ही नहीं, चंदेला खाना उनके आने वाले वारिस का भी अपमान किया है। क्या हो गया तुझे? तो प्यार तो करता है ना इससे? प्यार? उसी प्यार के साथ विश्वासघात किया है इन्होंने। ये जो पेट में बच्चा लेकर घूम रही है ना, वो मेरा नहीं किसी और का पाप है। चंदेला खानदान का वारिस नहीं है वो, मेरा चीकू नहीं है वो। ये
किस चीज से इतनी परेशान है तू? मुझे बता दे, तूने मुझे पिता का दर्जा दिया है ना? बता दे मुझे, जो भी है दिल खुल के बता दे। नहीं समझता मुझसे तो जी, अभी क्यों तो नहीं संभाल पाऊंगी मैं। मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो चंडेला खानदान का वारिस नहीं है। किसी और का और मुझे कुछ नहीं पता कि किसका है। मैं अपने आप को चंडेला खानदान को धोखा नहीं दे सकती। मैं ये गोद भरा की रस्म पूरी नहीं कर सकती। बहुत नाज था ना अपनी श्रीमती जी पर, अब तो सारी मोहब्बत निकल गई होगी दिल से। क्या करें ऋषि आप? और नहीं सुनूंगा। क्या बिगाड़ा हम दोनों ने तेरा? अब तू नई कहानी गढ़ के मेरी और मेरी श्रीमती जी की जिंदगी में फिर से जहर घोलने के चक्कर में। चुप कर! क्या बुरा किया हमने तेरे साथ? अरे जो प्यार तुझे तेरा पता ही नहीं दे पाया, मैंने अपनी श्रीमती जी समझकर तुझे वो प्यार दिया, क्या गलत किया मैंने? उसका ये सिला दे रही है? तेरे पाप का घड़ा भर गया जारा मलिक खान। बहुत कम सजा दी है तुझे कानून ने, तेरी असली सजा है मौत जो तुझे मैं दूंगा। नहीं ऋषि, नहीं। नहीं ऋषि भैया, ऐसी गलती मत करिए। इसको मार दूंगा जिंदा में। ऋषि भैया कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। देखिए एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। बाहर में गया भविष्य कुछ नहीं बनाना है, जो बिगड़ता बिगड़ने में हर जगह। अरे पट पटू चल गन निकाल। नहीं बनराज, मैंने कहा ना गन निकाल। बनराज मत दे। दे, मैं कह रही हूं मेरे हाथ में दे। बनराज नहीं, रथ। तू क्या देखता है? खोल इसे। सारा ठंडा कर दो। डोंट एक्ट स्मार्ट बनराज। अंदर आइए ऋषि। कोई चालाकी मत करना। बंद करे और चाबी मुझे दे। पीछे कोई भी ऐसा जेल नहीं जो जारा मलिक खान को रोक सके। आई ऋषि, फिर मिलते हैं। ओह, एक बात बताने तो भूली गई मैं आपसे। अब या तो आपकी श्रीमती जी खुद को मिटा लेगी या फिर अपने बच्चे को। सॉरी, आपके बच्चे को। चौंगे, वो एक्चुअली क्या है ना कि आपके और इंदिरा के बीच दूरियां बढ़ाने के लिए मैंने झूठ बोला उससे। और सच्चाई ये है कि इंदिरा के पेट में आप ही का बच्चा पल रहा है, अनफॉर्चुनेटली। अब इंदिरा के मन में जो पवंडर हो रहा है उससे कहीं अनहोनी ना हो जाए ऋषि।
और हिटलर दीदी गुस्से में अपनी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद करने में बहुत माहिर है, ये तो आप जानते हैं ना।